तमिल सुपरस्टार रजनीकांत मद्रास हाईकोर्ट गए हैं। उन्होंने 6.5 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 24 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ तब से सब कुछ बंद है, तो उनका ये कहना है कि जो मेरा मैरिज हॉल है श्री राघवेंद्र जन कल्याण मंडपम, उसको लेकर 6.5 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है और इस बात की मांग की जा रही है कि वो मुझे भरना चाहिए, वो जो है नहीं भरा जाना चाहिए, इस तरह की उन्होंने उसको रद्द करने की याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दी है। उनका ये कहना है कि महामारी के चलते, कोरोना के चलते जो है 24 मार्च से मैरिज हॉल बंद है, कोई भी कमाई नहीं हुई और इसीलिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 24 मार्च के बाद ही वो मैरिज हॉल बंद कर दिया गया था। ऐसे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6.5 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जो जोड़ा है वो गलत है। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आवेदन देकर इसको खारिज करने की अर्जी दी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया और उनके पास जब कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और एक याचिका दायर की है। तो उनका ये तर्क है कि अगर महामारी है, किसी तरह की कोई कमाई नहीं है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह मिड मार्च से ही कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया था और पूरे भारत में हर जगह कुछ कुछ स्टेप में जो है वो लॉकडाउन बढ़ता गया, तो उनका जो मैरिज हॉल है वो 24 मार्च से बंद है, तो ऐसे में अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स मांग रहा है, उसका उन्होंने ये तर्क दिया है कि वो गलत है क्योंकि मैरिज हॉल इतने समय से बंद है तो उसको जो है खारिज कर दिया जाए। रजनीकांत आखिरी बार जो है जनवरी में नजर आए थे जब उनकी फिल्म थिएटर में दरबार रिलीज हुई थी। अब देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट उनकी इस याचिका को खारिज करता है या फिर रजनीकांत को 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा।